Hey, this is Lisa और आज मैं बात करना चाहती हूँ अबाउट हाइमन और वर्जिनिटी, जिसे लोग सील तोड़ना कहते हैं और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लमेटिक बिलीव्स और गलत फहमियों के बारे में। सबसे बड़ी गलत फहमी ये है कि हर औरत का पहली बार सेक्स करते वक्त ब्लीड करना जरूरी है क्योंकि उसका हाइमन टूट जाता है। ये जरासर झूठ है। हाइमन कोई सॉलिड वॉल नहीं है जो नेसेसरली टूट जाता है। बायोलॉजिकली हाइमन एक्चुअली कोई सील या दीवार नहीं है, वो बस एक स्ट्रेची इलास्टिक टिश्यू है, जैसे एक स्क्रंची, जो यूजुअली वजाइना के ओपनिंग को सिर्फ पार्शियली कवर करता है। हाइमनल टिश्यू के अमाउंट हर औरत के लिए अलग होता है। कुछ औरतें पैदा भी बिना हाइमन के होती है और कुछ औरतों के लिए सेक्सुअली एक्टिव होने के बहुत टाइम बाद तक भी हाइमनल टिश्यू रहा है। थिंक अबाउट इट, बिफोर वी इवन गेट टू सेक्स, पीरियड्स के दौरान मेंस्ट्रुअल ब्लड यानी यूटरस के लाइनिंग वजाइना से निकलता है, राइट? हाउ वुड द ब्लड इवन कम आउट इफ देयर वाज अ वॉल देयर? ये बातें हमें पता होने के बावजूद भी कई लोगों को ये गलत फहमी रहती है कि हाइमन एक कंप्लीट बैरियर जैसा है जो वजाइना को पूरी तरह से सील करके रखता है और पहली बार पेनिट्रेटिव सेक्स करते वक्त ही बूम, वो सील टूट जाता है। इसी गलत फहमी की वजह से बिना मतलब इंसर्शन प्रोडक्ट्स को भी इतनी बड़ी बात बना के रखती है। टोटली सेफ पीरियड प्रोडक्ट्स जैसे कि टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप्स का इंसर्शन भी टैबू बन गया है। कुछ औरतें पहली बार सेक्स करने पर ब्लीड करती हैं और कुछ औरतें नहीं करती, एंड इन फैक्ट ज्यादातर ब्लीडिंग का एक्चुअल रीजन इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन होता है, जिसकी वजह से पेनफुल वैजिनल टेयरिंग हो सकता है। ऑफन ब्लीडिंग ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस एक्चुअली हैज वेरी लिटिल टू डू विद द हाइमन। सम वुमेन ब्लीड द फर्स्ट टाइम दे हैव सेक्स एंड सम वुमेन डोंट, बोथ आर नॉर्मल। लेकिन फिर भी सदियों से औरतों को शर्मिंदा किया गया है, मारा गया है, घर से बाहर निकाल दिया गया है और मरवाया भी गया है, सिर्फ उनकी सुहागरात पर ब्लीड ना होने के रीजन से। ऑल्सो हाइमन कैसा दिखना चाहिए या कैसा दिखता है, उसका कोई एक ही स्टैंडर्ड नहीं है। ये सोचना कि हाइमन कुछ ऐसा ही या कुछ वैसा ही दिखना चाहिए, वो गलत है। वो सोच हार्मफुल और डेंजरस है। हाइमन्स अलग अलग हो सकते हैं। While many women have a crescent shaped hymen that only partially covers the vaginal opening, कुछ थोड़े बड़े या छोटे हो सकते हैं, किसी में fringes और किसी में multiple perforations हो सकते हैं। An imperforate hymen, मतलब जो hymen vaginal opening को completely seal या block करता है, वो एक rare condition है और उसमें कई बार surgery जरूरी बन जाती है। So as you can see, ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि हर लड़की का पहली बार sex करते time bleed करना जरूरी है। Some women bleed the first time they have sex and some women don't. Both are normal. Okay, next myth. एक लड़की की आबरू या इज्जत उसकी वर्जिनिटी से रिलेटेड है। बिल्कुल नहीं। सच ये है कि चाहे एक औरत ने शादी से पहले सेक्स किया है या नहीं, वो पहली बार सेक्स करते टाइम ब्लीड करती है या नहीं, वो उसके अलावा किसी और के सोचने की बात है ही नहीं। It is literally no one else's business but her own. उससे उसके चरित्र या इज्जत पर कोई आंच नहीं आती। हमें ये समझना जरूरी है कि जब हम पहली बार सेक्स करते हैं तो कुछ भी कहीं से भी गायब नहीं हो जाता। We say lose your virginity, but nothing is actually lost. While of course first time sex एक significant या special experience हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है कि उसे आप खराब, मैले, अशुद्ध या दूषित बिल्कुल भी नहीं होते हो। और तो और, एक लड़की की वर्जिनिटी कोई अवार्ड नहीं है जो उनसे ले लेने में मर्दों को गर्व होना चाहिए। ब्लड ऑन द शीट्स इज नॉट सम सॉर्ट ऑफ प्राइज। सील होना, सील तोड़ना, ब्लड दिखना, हम औरत के बॉडी को लेके ओनरशिप और वायलेंस को इतना फेटिशाइज क्यों करते हैं, ये बहुत ही घटिया और रिग्रेसिव सोच है। ऑल्सो ऐसी कोई भी मेडिकल प्रोसीजर नहीं है जो एक्चुअली प्रूव कर सके कि एक लड़की वर्जिन है या नहीं। एनी डॉक्टर दैट क्लेम्स दे कैन डू अ वर्जिनिटी टेस्ट इज अ फ्रॉड। एज आई सेड अर्लियर, सम वुमेन आर इवन बॉर्न विदाउट अ हाइमन, और कुछ लोगों के लिए सेक्सुअली एक्टिव होने के बहुत साल बाद भी हाइमनल टिश्यू रहा है। सो नो वन कैन प्रूव whether someone is a virgin or not. एक लड़की के कैरेक्टर को
उसके हाइमन के स्टेटस से लिंक करना ना ही सिर्फ अनएक्सेप्टेबल और रिग्रेसिव है, इट्स ऑल्सो अनसाइंटिफिक एंड जस्ट प्लेन फॉल्स। आई होप कि इस वीडियो से कुछ गलत फहमियां दूर हुई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। आई विल सी यू सून, बाय।